अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोचियों का सालन। मंगोचियों के सालन की ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक मीडियम प्याज मोटे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ा सा मेथी दाना, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, तकरीबन 100 ml सरसों का पका हुआ तेल। और मंगोचियाँ तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप मूंग की दाल, जिसे मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। उसके बाद इसका पानी निकाल कर इसे दरदरा पीस लिया है। एक मीडियम प्याज बारीक चॉप की हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर हींग, चुटकी भर खाने का सोडा। अब हम पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज और इन मसालों को मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब सबसे पहले भगोने में डालेंगे तेल। इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे मेथी दाना। इसको चलाएंगे और मसाले का पेस्ट इसमें डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक मसाला भुन रहा है, हम एक गहरे बर्तन में लेंगे दाल और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। साथ में इसमें डाल देंगे हींग और इसे अच्छे से थोड़ा फूलने तक फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरह से फूलने लगी है, ये अच्छे से फिट गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से चलाएंगे। साथ में डाल देंगे सोडा, इसको मिलाएंगे। ये मिल गया है। अब हम पहले मसाले को चेक करेंगे। ये देखिए ये भी कितना अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। ध्यान रखें पानी उस हिसाब से लें, क्योंकि हम इसमें बाद में पानी मंगोचियाँ डालेंगे तो वो भी थोड़ा पानी पी लेंगी। अब इसमें उबाल आने तक पकने देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। अब इस दाल के बैटर में डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटा हरा धनिया। और अब इन सबको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब मंगोचियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। डालते वक्त गैस को तेज रखेंगे, उसके बाद मीडियम कर देंगे। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये सेक गई हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इन मंगोचियों को ग्रेवी में डाल देंगे और इन्हें ढक देंगे। इसी तरह बाकी मंगोचियाँ भी तैयार करके उसमें डाल देंगे। ग्रेवी में से मैंने ये थोड़ा सा रोगन ऊपर से निकाल लिया था। अब इसे हम सर्व करते टाइम थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल देंगे। मंगोचियों का सालन तैयार है। अब ये इसमें बचाया हुआ रोगन ऊपर से डालकर इसे सर्व करेंगे।
अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।